नमस्कार, नमो नारायण। शक्ति साधना कौन नहीं करना चाहता, और उसमें भी गुप्त नवरात्रि आषाढ़ महीने की हो। अद्भुत। और ये संयोग कब से बनता है? अमावस्या 5 जुलाई को है, शुक्रवार के दिन, और अमावस्या के अगले दिन मतलब शनिवार 6 जुलाई से लेकर के सोमवार 15 जुलाई तक इस बार गुप्त नवरात्रि। और इस बार गुप्त नवरात्रि में जो तीसरा नवरात्रा है, यानी तीज की जो तिथि है, वो लंबी है, 2 दिन की है, इसीलिए इस बार नवरात्रे 10 दिन के हैं। गुप्त नवरात्रे खासकर साधना मार्ग में तंत्र की साधना के लिए बहुत ही उपयुक्त माने जाते हैं। आप कहोगे कहाँ हम साधारण से गृहस्थी हैं, कहाँ तंत्र वगैरह। भाई, तंत्र ऐसा कोई डरावनी चीज नहीं है। तंत्र सुनकर के एकदम से अपने वो जिसको बोलते हैं ना, कान मत खड़े कर लिया करो। तंत्र का अंग्रेजी शब्द है टेक्निक। जो चीज आप मानो कि बार बार 5 घंटे में करते हो, उस चीज को अगर कोई आपको 10-15 मिनट में करना सिखा दे, वो टेक्निक है। तो साधना के मार्ग में भी आप इतने पुराण पढ़ लो, इतने उपनिषद पढ़ लो, ये हवन कर लो, ये याग यज्ञ कर लो, इतना समय कलयुग में कम होने के कारण तंत्र मार्ग की साधना आपको जल्दी से जल्दी आपके देह तक पहुंचाती है। हाँ, ये बात सच है कि तंत्र में सत्व रजतम तीनों प्रकार का तंत्र होता है, सात्विक राजसिक तामसिक। लेकिन जैसे कि आप जानते हो, 2 नवरात्रियां खुली आती हैं, अक्टूबर की और अप्रैल की, और 2 गुप्त नवरात्रि आती है। कुल मिलाकर के वर्ष में 4 नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि का महत्व ज्यादा तंत्र साधना के लिए होता है, और इस गुप्त नवरात्रि के समापन के बाद फिर देवशयनी एकादशी आ जाएगी। देव विष्णु जो है जलमग्न हो जाएंगे, और फिर रुद्र जो है कारोबार संभाल लेंगे। तो उसके पहले जो शक्ति अर्जित करनी है, उसके लिए गुप्त नवरात्रि सरलतम मार्ग है, और ये आपके सारे कार्य, सारे हेतु पूरे करने के लिए पर्याप्त है। तो क्या कर सकते हैं जो अपने रीच में है, हमारे बिल्कुल पहुंच में है, साधारण से साधक क्या क्या कर सकते हैं? तो एक बात तो आपने पिछले दिनों देखी होगी, शनि वक्री हुआ। शनि वक्री कब से हुआ? 29 जून से और ये नवंबर तक 140 दिन तक शनि वक्री रहने वाला है। और ये वक्री जो शनि होता है, ये आप इससे डरने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड, सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ, लेकिन ये सिंह अवलोकन है। जैसे शेर शिकार करने के पहले पीछे मुड़कर देखता है और फिर शिकार पर झपटा मारता है। शनि न्याय के देवता हैं, न्याय करते हैं। वो आपको मात्र इस समय में एक चेतावनी देते हैं कि अब भी समय है, आ जाओ पीछे, बच जाओगे। तो 140 दिन जो है वो आपका सिंह अवलोकन का समय इस तरह से भी ले सकते हो। कुछ राशियों के लिए खराब हो भी सकता है थोड़ा बहुत समय, लेकिन कुछ के लिए अच्छा भी होता है। हम बात कर रहे हैं गुरु अपने गुप्त नवरात्रि की। तो गुप्त नवरात्रि में, जैसे नवरात्रि के ऑलरेडी हमने जो एपिसोड्स बनाए हुए, मैं टीम से निवेदन करूंगा कि नवरात्रि की साधना कैसे करें, वो सारे एपिसोड आप डिस्क्रिप्शन में लगा दें। और उसमें क्या क्या साधना करेंगे, जैसे मानो प्रत्यंगरा स्तोत्र का एपिसोड हमारा है, वो आप देखें, सिद्ध कुंजिका है, नवारण मंत्र है, फिर 10 महाविद्या के ऊपर है, साबर मंत्रों का है। हाँ, काली सहस्त्र नाम की साधना इस गुप्त नवरात्रि में आप करेंगे, बड़ी अद्भुत है, बहुत फलदायक रहेगी। लेकिन कोई भी साधना का प्रारंभ करने से पहले, मैंने हमेशा कहा है, गीता प्रेस गोरखपुर की नित्य पूजन वाली पुस्तक को आप ले लें, उसमें सब कुछ लिखा ही हुआ है। आसन माला वगैरह पर हम बहुत पहले बात कर चुके हैं, उसको रिपीट मैं नहीं करूँगा। फिर भी गुरु को प्रणाम, गुरु की साधना, गुरु को नमन करने के बाद, गुरु पूजन करने के बाद गणेश की साधना, गणेश का पूजन अनिवार्य है। और फिर इष्ट देवता भ्यो नम, कुल देवता भ्यो नम, ग्राम देवता भ्यो नम, स्थान देवता भ्यो नम, वास्तु देवता भ्यो नम, सर्वे भ्यो देवे भ्यो नम, ये कलश स्थापन करने की भी विधि मैंने एक एपिसोड में बताई है। और फिर पितरों वगैरह को नमन करते हुए हमने कलश स्थापन कर नवरात्रि का पूजन पाठन चालू किया। इस वर्ष का, जैसे कि मैंने बताया, पिंगल नाम का ये वर्ष है, तो इस वर्ष में राजा मंगल है, मंत्री शनि है, और न्याय के देव हैं सुरक्षा, जो न्याय के देव हैं वो शनि है, और सुरक्षा मंत्री जो है वो शुक्र है। ये मैंने बताया, ये व्यवस्था जिसमें ये गुप्त नवरात्रि आती है, और 10 दिन की है। आपको तृतीया का 2 तिथि मिलता है, तो आपको ये तय करना है कि कैसे उसमें पूजा पाठ को आप एडजस्ट करते हो। वैसे आषाढ़ नवरात्रि की घट स्थापना कभी होगी, उसका समय क्या है? शनिवार 6 जुलाई 5:11 सुबह
5:11 से लेके सुबह के 7:26 तक अच्छा मुहूर्त है, लेकिन कोई बात नहीं, अभिजीत मुहूर्त भी है। अभिजीत मुहूर्त कौन सा है? 11 बजे सुबह से लेकर के 12 बजे तक, सुबह 11 से 12 तक का अभिजीत मुहूर्त है, उसमें भी घट स्थापना आप कर सकते हो। और इसका लाभ क्या होगा? देखो, कोई भी पूजा पाठ स्वार्थ पूर्ण तो नहीं करनी चाहिए। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणजम वा मानसम वा अपराधम विदितम अविदितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। क्षमा याचना करते हुए कि भूल चूक हो सकती है, सात्विक अपना संकल्प है कि आध्यात्मिक उन्नति हो, फिर भी अगर कोई मानो कि परिवार में, धन में, स्वास्थ्य में कोई लाभ चाहिए, क्योंकि ये सर्व बाधाओं से आपको मुक्त करता है, आरोग्य प्रदान करता है, मोक्ष देता है, शक्ति देता है, रक्षा करता है, रोग नाश करता है, दुख दारिद्र्य का नाश करता है, ऐश्वर्य प्रदान करता है, और स्वप्न से कोई संबंधित आपकी परेशानियां हैं उसको भी दूर करता है। नवरात्रि की ये साधना, गुप्त साधना जो है नवरात्रि की, ये आपको बहुत कुछ दे जाती है। वैसे तो नवरात्रि नवरात्रि है, परंतु गुप्त नवरात्रि का विशेष अनुष्ठान तंत्र के किसी मंत्र से करना बहुत लाभकारी है। तो नवारण मंत्र वगैरह जो है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वाला, या पूरा मंत्र है, और उसकी पूरी विधि सप्त दुर्गा सप्तशती में दी हुई है। मैं तो कहूंगा कि कुछ भी नहीं कर सकते हो तो बस पहले पेज से लेकर के दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करो। आपके सुविधा अनुसार उसमें लिखा भी हुआ है क्रम, अगर रोज पूरी सप्तशती नहीं कर सकते हो तो क्रम दिया हुआ है कि आप नवरात्रों में 9 दिन में कौन से पाठ को कैसे करोगे, वो इंट्रोडक्शन में ही लिखा हुआ है, पढ़ लो, आप कर सकते हो। बस उसका थोड़ा विधि विधान का ध्यान रख लेना कि कैसे उस ग्रंथ को रखेंगे, क्या पूजा में करेंगे, वो भी लिखा ही हुआ है, और बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता, उस पर एपिसोड बना हुआ है। मेरा एक एपिसोड प्रत्यंगिरा स्तोत्र के ऊपर है। प्रत्यंगिरा स्तोत्र मतलब आप पर अगर किसी ने कुछ कर रखा हुआ है तो उसके प्रति हम जवाब दे सकते हैं, और ये गुप्त नवरात्रि उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आप ये कर सकते हो, बस संकल्प लो, संकल्प शुद्ध लेकर के आगे बढ़ जाओ। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र शुणो देवी प्रवक्षामि कुंजिका स्त्रोत्र उत्तम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत्। कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र माने चाबी, सिद्ध कुंजी, कुंजी का मतलब चाबी। पूरे सप्तशती को नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, सिद्ध कुंजी का स्त्रोत्र के ऊपर भी किया जा सकता है। तो क्या एक दिन में आप 108 पाठ कर सकते हो? नहीं, ज्यादा समय हो गया, कोई बात नहीं, कम कर लें 54, और कम कर लें 27, और कम कर लोगे 11, और कुछ नहीं तो एक बार, दो बार, तीन बार तो कर ही सकते हैं, और उसका संकल्प भी आपको काफी लाभ देता है। दिन में तीनों टाइम कर सकते हो, सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो। माँ की साधना है, रात में भी कर लो। आप ये मत पूछना रात को कर सकते कि नहीं, रात को सिर्फ हवन करने के लिए हम रोकते हैं, क्योंकि वो सूर्य की उपस्थिति में अग्नि का एक मंत्र है उसको लेकर के। बाकी आप साधना रात में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जप करें, ध्यान करें, पूजा करें, पाठ करें, कर सकते हैं। नवारण मंत्र की साधना जो मैंने बताया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वाला, वो पूरा मंत्र भी ले सकते हैं, बीज मंत्र के साथ भी ले सकते हैं, और उसको आगे पीछे जो लगा करके करते हैं वो भी कर सकते हो। उसके ऊपर भी ऑलरेडी एक एपिसोड बना हुआ है। ये तो मात्र मैं आपको याद दिलाने के लिए बना रहा हूं कि गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, सावधान, उसके एक दिन पहले अमावस्या है। उस अमावस्या को हमेशा की तरह मैं हमेशा कहता हूं कि पितरों का कोई दोष निवारण करना है तो अमावस्या सबसे उत्तम है। अमावस्या के दिन काली की उपासना अति उत्तम है, और कोई भी अमावस्या हो, अगर आप उस दिन काली की उपासना करें, शिव जी का अभिषेक कर लें, काले तिल पीपल पर जल चढ़ा दें, तो सर्व पितरों के निमित्त बहुत कुछ उससे लाभ होता है। काली सहस्त्र नाम की साधना तो मैंने आपकी बताई, कुछ जिनको गुरुओं की परंपरा से काली मंत्र मिला हुआ है उसके लिए अमावस्या तो है, ये गुप्त नवरात्रि भी बहुत लाभदायी होगी। स्तोत्र आदि भी आप पढ़ सकते हो। फिर दश महाविद्या के ऊपर हमारे 10 एपिसोड है, मैं टीम से कहूंगा वो लगा ले डिस्क्रिप्शन में। दश महाविद्या में कोई भी एक महाविद्या का अगर आप पूजा पाठ करना चाहते हो तो कर लो, और नहीं कर सकते हो तो नव दुर्गा तो कर ही सकते हो। नव दुर्गा मतलब सप्तशती में जो नव स्वरूप है। अब मैं आपको वो मंत्र दू दश महाविद्या का, जो मैंने हमेशा से हर एपिसोड में दिया गया है। इस मंत्र का भी अगर आप मनन चिंतन करते हो, जाप करते हो, उसका लाभ मिलता है। दश महाविद्या का श्लोक याद रखें, ये बिल्कुल फलदायी है कि काली तारा महाविद्या
षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्तिका च विद्याधूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। ये दश महाविद्या का श्लोक है, लिख के भी आप इसको पढ़ सकते हो और सुनते हुए भी याद कर सकते हो। और अगर आप नवदुर्गा का श्लोक के साथ सिर्फ स्मरण करना चाहते हो, इसी का 108 या 1008 पाठ करना चाहते हो, तो 4 लाइन का श्लोक नवदुर्गा का। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूशमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः। ये हुआ नवदुर्गा का श्लोक। आपके स्व धर्म अनुसार, स्व इच्छा अनुसार, लेकिन कम से कम इस गुप्त नवरात्रि का लाभ लें। और जैसे मैंने बताया कि इस बार 10 दिन की नवरात्रि होने वाली है, पर नवदुर्गा के स्वरूप प्रथम दिन पे शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा, कुशमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री। तृतीय का जो 2 तिथि पड़ती है, उस दिन माता का 2 दिन पूजन होगा उस माता का। कुल मिलाकर के मैंने आपको गुप्त नवरात्रि के साधनों के लिए प्रेरणा देने का पूरा प्रयास किया। इसमें एक एपिसोड हमारे शाबर मंत्रों का भी है, तो अगर आपको कोई शाबर मंत्र भी पसंद है और किसी गुरु के द्वारा आपको शाबर मंत्र भी प्राप्त है, तो शाबर मंत्र से भी आप अपनी साधना कर सकते हो। बस कुल मिलाकर के ये मैं कहूँगा कि ये जो शक्ति का अनुष्ठान, शक्ति का ये जो प्रयोग आप करने जा रहे हो, ये उत्सव है, इसको आप जाने न दें। श्रावण मास इसके बाद आ ही जाएगा, तो ये आपको शक्ति अर्जित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सुविधा है, समय है और आप कर सकते हो तो ज़रूर करें। तंत्र की साधना हेतु गुप्त नवरात्रि बहुत लाभदायक है। मैं फिर से कहूँगा, कोई भी मन में विचार या धारणा गलत मत लाना। माँ के श्री चरणों में, चाहे वो श्री विद्या का ही आप अनुष्ठान कर लें, ये उपयुक्त समय है। अपने बच्चों को प्रेरणा दें। और आप लोगों के लिए स्वामी योग धर्म चैनल पर 2-2 गीता के श्लोक तो चल ही रहे हैं, अभी स्वामी योग क्लिप्स भी आया है, ताकि आपके पास जो कम समय है, उस कम समय का लाभ लेकर के आप छोटे छोटे भी देख सकते हैं। एनी वीडियो का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है उसको क्लिप्स में हम डाल रहे हैं, तो उसको भी आप देखेंगे। और ऐसे जिनके पास कम समय है, जो कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं होता, उन तक ये पहुँचाएंगे संदेश, और इस प्रवाह को हम इसी तरह चलाते रहेंगे। तो ये गुप्त नवरात्रि की साधना है, तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।